नमस्कार मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पश्चिमी राजस्थान के पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना इलाके में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती हुई कार पर मार्बल से भरा कंटेनर गिर जाने से उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही दबकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर कोहराम मच गया। कार सवार सभी लोग जोधपुर से अहमदाबाद बैठक में जा रहे थे। हादसा गुड़ा एंगला थाना इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बालाराई गांव के पास हुआ। उस समय जोधपुर से कार में सवार होकर चार लोग अहमदाबाद जा रहे थे। बालाराई के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने कट से मार्बल से भरे ट्रेलर का चालक यू टर्न से कार को ओवरटेक कर रहा था। उसी दौरान कंटेनर असंतुलित होकर कार के ऊपर गिर गया। दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट को देखने वालों की रूह कांप गई। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ है बड़ी खबर। शुरुआती जानकारी के अनुसार हमला अलवर जिले में हुआ है और टिकैत की कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टिकैत को काले झंडे भी दिखाए गए। काफिले पर हमले के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करके भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा के गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। हालांकि आपको बता दें, अभी भी पत्थर फेंकने वाले लोगों का पता नहीं चला है कि आखिरकार वह कौन थे, लेकिन खबर आ रही है कि 15 से 20 युवाओं ने गाड़ियों पर पत्थर फेंके, 4-5 कारों के शीशे भी टूटे। इस दौरान किसान नेता पुलिस के साथ भी नोक झोंक करते हुए दिखाई दिए। अगली बड़ी खबर आपको दे दें, प्रदेश में आने वाली 17 अप्रैल को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सहाड़ा सीट के लिए भाजपा से बागी होकर निर्दलीय के रूप में नामांकन भरने वाले लादू लाल पितलिया ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। पितलिया के नामांकन पत्र वापस लेने से भाजपा को कहीं न कहीं बड़ी राहत मिली है। उनके नाम वापस लेने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मीडिया से कहा है कि पितलिया ने बिना शर्त पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। हालांकि खबरें यह भी आ रही है कि भाजपा के नेता लगातार पितलिया पर दबाव डाल रहे थे, क्योंकि पिछली बार भाजपा की हार का कारण पितलिया की बगावत ही बनी थी। पितलिया 30,000 वोट लिए थे, लेकिन फिलहाल इस बार पितलिया ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। शुक्रवार को भी दूसरे दिन इनके भाव में जोरदार तेजी देखी गई। जयपुर में आज 24 कैरेट गोल्ड के भाव लगातार दूसरे दिन 600 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर खुले और चांदी के भाव भी 1300 रुपए बढ़ गए। इसके साथ ही 24 कैरेट गोल्ड आज 46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड के भाव 44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए। अगली बड़ी खबर कोटा जिले से आ रही है। राजस्थान में कोटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोटा पुलिस ने नारकोटिक्स विभाग की सूचना पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़े बड़े गुर्गे दानिश चिकना उर्फ चिकना फंटम को गिरफ्तार किया है। आरोपी दानिश मुंबई के डोंगरी इलाके से फरार हुआ था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोटा पुलिस को दानिश के कोटा में होने का इनपुट दिया था, जिसके बाद पुलिस ने चिकना फंटम को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में एक बार फिर मौसम की स्थितियां बिगड़ सकती है। कई जिलों में आने वाले दिनों में तेज अधड़ देखी जा सकती है। 5 और 6 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और 6 अप्रैल को जोधपुर और बीकानेर संभागों में तेज आंधी भी आ सकती है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।